नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रेनू। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आपके हेयर को कैसे अच्छा रख सकते हो, स्मूथ एंड हेल्दी दिखे। आप लोगों को मेरे ये हेयर दिख रहे होंगे, ये काफ़ी लॉन्ग है। इतने लॉन्ग है कि मेरे यूट्यूब वीडियो में भी आप लोगों को मेरे स्क्रीन के सामने भी नहीं दिख रहा होगा। बट मैं जिस प्रोडक्ट का यूज़ करती हूँ उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। मैं आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ वो है आपका सीरम। जैसे कि हम अपने बालों को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद हम उसमें कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं ताकि हमारे इस बाल जो भी है वो नेचुरली अच्छे दिखे। एक बार मैं आपको टर्न होकर मेरे हेयर दिखाना चाहती हूँ। आप लोग देख सकते हो ये मेरे पूरे हेयर की ग्रोथ है। यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे कि ये जो मेरे हेयर है ये इतने लंबे हैं। और देखो, हेयर लंबे होना अच्छी बात है, बट अगर आपके हेयर लंबे हैं बट उसमें आप कुछ शाइनिंग के प्रोडक्ट्स कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटेंट कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो, सीरम नहीं डाल रहे हो, तो बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं। ड्राई से उसमें स्किन में इसके जैसे स्किन में एक निखार आती है, चमक आती है, सेम ऐसे हमें हमारे बालों में भी अप्लाई करना होता है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात करना चाहती हूँ वो है जो आप अपने हेयर में यूज़ कर सकते हो सीरम। एक्सट्रीमियम का हेयर सीरम है जो कि आपको शॉप में या मार्केट में कहीं पे भी मिल सकती है। जस्ट लाइक यू देख सकते हो आप ये लोग, ये प्रोडक्ट्स जो कि आप कहीं भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, कोई भी मेडिकल पे, स्टोर पे, शॉप पे, कहीं से भी आप ये परचेस कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर रही काफ़ी टाइम से, जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ तक हो चुका है। ये पूरा मैंने न्यू पैकेट लिया हुआ था, तब से मैं इसे जब भी हेयर वॉश करती हूँ, हेयर वॉश कर प्रोसीजर कैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पहले आपने शैम्पू से अपने हेयर वॉश किया, हेयर वॉश करने के बाद आपने कंडीशनर लगाते हो तो कंडीशनर लगा के हेयर वॉश कर लिया, देन आपके बाल पूरे ड्राई हो गए, सूख गए नेचुरली तरीके से। अगर आप ड्रायर से यूज़ करके सुखाते हो तो कोई बात नहीं, जैसे भी आपके बाल सूख जाते हैं। उसके बाद ये सीरम लेना है, यहाँ से आपको इसे ओपन करना है, देन यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर प्रेस करके यहाँ पर पिंक बना हुआ है।